फूल सिंह बरिया के द्वारा खुद के मुंह पर कालिक पोतने को लेकर बीजेपी का तंज। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कसा तंज, कांग्रेस की सामती सोच एक बार फिर उजागर। राजा दिग्विजय सिंह ने दलित नेता फूल सिंह बरिया के मुंह पर काला लगाया। आज का मुंह काला कार्यक्रम भी किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं रहा। ऐसा लग रहा था कि ये कार्यक्रम मुंह काला करने के लिए नहीं बल्कि कांग्रेस का नया प्रदेश अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए हो रहा है। कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने कहा था यदि भारतीय जनता पार्टी 50 से अधिक सीटें जीतेगी तो मैं राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर दूंगा। अपनी घोषणा के मुताबिक वो मुंह काला करने गए। अब चूंकि घोषणा उन्होंने ही करी थी, इसमें किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं था और घोषणा के मुताबिक यदि उनको जाना भी था तो अकेले चले जाते, लेकिन पूरा शक्ति प्रदर्शन किया, भीड़ ले गए। और बड़े आश्चर्य की बात है कि दिग्विजय सिंह जी भी इस पूरे जश्न में शामिल हुए। अब कायदे से तो दिग्विजय सिंह जी को फूल सिंह बरैया को रोकना था, एक दलित नेता है, लेकिन बड़ा ही आश्चर्यजनक है खुद दिग्विजय सिंह ने अपने हाथ से फूल सिंह बरैया के मुंह पे कालिक पोती। ये तो बड़ा ही शर्मनाक बात है। हमें दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच का वो विवाद सामने आता है जब कपड़े फाड़ने की बात हुई थी, तब दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कपड़े उसके फटना चाहिए जिसके ए और बी फॉर्म पर हस्ताक्षर है। तो फिर यदि कालक की भी बात आएगी तो वही गाइडलाइन इसमें भी चलना चाहिए। लेकिन फूल सिंह बरैया का क्या दोष जो एक दलित नेता के मुंह पर कालिक पोती। निश्चित तौर पे दिग्विजय सिंह ने जो कृत्य किया है यह बेहद निंदनीय, इसको लेकर पूरी कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए, दिग्विजय सिंह को माफी मांगना चाहिए और यह दलित नेता का नहीं दलित समुदाय का भी अपमान है।